अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है और एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं। एंड वी कैन से दैट नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये हमारे पास एक किडनी है, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। ये इसका आउटर रीजन जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो इनर रीजन होता है इसे मेड्यूला कहा जाता है। मेड्यूला रीजन में पायरामिड्स मौजूद होते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये वाला खाली जो रीजन है इसे पेल्विस रीजन बोलते हैं। यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर आता है और यहाँ से यूरेटर में गिरता है, यूरेटर से सीधा यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर। जैसे कि हम जानते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सो ज़रूरी है कि किडनी के अंदर कोई ब्लड वेसल ऐसी होनी चाहिए जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही हो। सो यहाँ पर रेड कलर में एक ब्लड वेसल है, ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, इसे रीनल आर्टरी कहते हैं। और वो ब्लड फिर किडनी के अंदर जैसे ही एंटर होता है उसकी फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन के बाद वो ब्लड फिल्टर होने के बाद फिर ब्लड वेसल्स के रास्ते हार्ट की तरफ जाता है, और जिस ब्लड वेसल के रास्ते वो हार्ट की तरफ जाता है उसे रीनल वैन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नेफ्रॉन ड्रा कर रखी है। अगर आप देखें तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, और इसकी स्ट्रक्चर मेड्यूलर रीजन के पायरामिड्स में कुछ ट्यूब्यूल्स इसकी इंटर हो रही हैं, और इन्हीं ट्यूब्यूल्स की वजह से पायरामिड्स में इस तरीके से स्ट्रिप्स सी, धारियाँ सी हमें नज़र आती हैं। सो आइए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को जूम इन करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं, और फिर एट द एंड इसके फंक्शन को भी देखते हैं कि ये ब्लड की फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन कैसे कर रही होती है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है कप लाइक शेप से, जिसे बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। ये कप लाइक शेप है, इसे बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। इस कप लाइक शेप के अंदर अगर आप देखें तो कैपिलरीज का एक नेटवर्क सा आपको नज़र आ रहा है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस स्टार्ट होता है एफरेंट आर्टरियोल से, ऐसे एफरेंट आर्टरियोल, और ये नेटवर्क ख़त्म होता है एफरेंट आर्टरियोल से, ई से एफरेंट आर्टरियोल से। सो एफरेंट आर्टरियोल इस तरीके से इंटर हो रही है, एक क्लस्टर सा बना रही है कैपिलरीज का, और ये कैपिलरीज का क्लस्टर जहाँ पर ख़त्म होता है तो एक आर्टरी बाहर निकल रही है, जिसे एफरेंट आर्टरियोल कहा जाता है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर रीनल कार्पसल कहलाती हैं, यानी इस पूरी स्ट्रक्चर को हम रीनल कार्पसल बोलते हैं, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों शामिल हैं। बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू रीनल कार्पसल। बोमेंस कैप्सूल जैसे ही ख़त्म होता है नीचे एक ट्यूब्यूल्स का आपको नेटवर्क सा नज़र आएगा, ये देखें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे। इस ट्यूब्यूल के पूरे नेटवर्क को रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है, और रीनल ट्यूब्यूल को फर्दर तीन ट्यूब्स में डिवाइड किया गया है, या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जहाँ से बोमेंस कैप्सूल ख़त्म होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है इसे प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, और यहाँ से नीचे एक यू टर्न सा आपको नज़र आ रहा है, लूप सी नज़र आ रही है, इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और यहाँ से ऊपर अगर आप देखें तो फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सी स्टार्ट हो जाती है, जिसे डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। और डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल एक डक्ट के साथ अटैच होती है, एक और लार्जर ट्यूब के साथ अटैच होती है, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट कुछ और नेफ्रॉन्स के साथ भी अटैच होती है, और हर नेफ्रॉन यूरिन की फॉर्मेशन कर रही होती है, और वो यूरिन आकर कलेक्टिंग डक्ट में इंटर होता है। कलेक्टिंग डक्ट ये आ रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट इस यूरिन को लेकर पेल्विस की तरफ आ रही होती है। ठीक है, होपफुली आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर समझ आ चुकी होगी। अब हम नेफ्रॉन के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना। सो ब्लड को नेफ्रॉन की तरफ लेकर आने वाली आर्टरियोल को एफरेंट आर्टरियोल कहा जाता है, ऐसे एफरेंट आर्टरियोल। और ये आर्टरियोल रीनल आर्टरी से इमर्ज होती है, यानी रीनल आर्टरी से निकल कर ब्लड को लेकर आती है नेफ्रॉन की तरफ। ठीक है, ये आर्टरियोल अगर आप देखें तो ये ब्लड को लेकर आ रही है, यहाँ पर एक नेटवर्क सा बन रहा है ब्लड वेसल का, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, और फिर ये आर्टरियोल इस तरीके से बाहर निकल रही है, और बाहर निकलने के बाद ये एक जाल सा बना देती है, जो इस डायग्राम में मैंने नहीं शो किया क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, तो वो मैं आपको पिक्चर दिखा लेता हूँ। यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक जाल सा बन गया है एफरेंट आर्टरियोल का, और ये एफरेंट आर्टरियोल फिर यहाँ से होते हुए सीधा रीनल वैन की तरफ आ जाती है, और फिर क्योंकि इसके अंदर अब इसमें से ब्लड जो है वो फिल्टर हो चुका है, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकल चुके हैं, और ब्लड का शफाफ होने के बाद रीनल वैन की तरफ आ चुका है, रीनल वैन फिर सीधा हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जा रही होती है। तो आइए देखते हैं कि ब्लड की फिल्ट्रेशन किस मैकेनिज़्म से होती है। सबसे पहले ब्लड
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से फ़िल्टर होता है। फिर उसके बाद ब्लड के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी ब्लड में दो मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर होता है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सो फर्स्ट प्रोसेस जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसे देख लेते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलस से ब्लड का निकलना बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में जाना, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसे। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस वजह से होती है? बाय ब्लड प्रेशर। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो एफरेंट आर्ट्रियोल मोटी है और जो एफरेंट ई से एफरेंट आर्ट्रियोल है वो पतली है। इससे होता क्या है कि यहाँ से जब ब्लड आता है और आगे जो आर्ट्रियोल है वो पतली है तो यहाँ पर एक प्रेशर बेल्ट होता है। प्रेशर बेल्ट होने के बाद होता क्या है कि ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ और कंटेंट्स भी सीधा बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में चले जाते हैं, यानी खाली रीजन में चले जाते हैं। और उस खाली रीजन में जाने के बाद वो फिल्ट्रेट कहलाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? फिल्ट्रेट। सो इसे डिटेल से देखते हैं। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की ये वाला रीजन जो है इसे जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यानी ये आपकी बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसकी वाल है, ठीक है। और वाल यानी ब्लड कैपिलरी की वाल क्या है? सेल्स, उसके बाहर एंडोथीलियम सेल्स होते हैं, ठीक है। और इन सेल्स में गैप होता है और ये ब्लड प्लाज्मा आ गया। दिस रीजन इज़ ब्लड प्लाज्मा, यानी यहाँ पर ब्लड और ब्लड का लिक्विड पोर्शन मौजूद है। और उस साइड पर अगर हम देखें तो ये आ गया ल्यूमन। ये खाली रीजन क्या है? ल्यूमन है, यानी ये वाला इंटरनल रीजन है बोमेंस कैप्सूल का, जहाँ पर ब्लड में से जो फिल्ट्रेट निकलेगा, जो सब्सटेंसेस निकलेंगे वो यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। तो क्योंकि जब प्रेशर बनता है यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ब्लड में जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो जहाँ से सेल्स में जो गैप होते हैं उसके रास्ते सीधा ल्यूमन में चले जाते हैं। लेकिन इनके रास्ते में एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये कोलागन प्रोटीन वगैरह और ग्लाइको प्रोटीन वगैरह से मिलकर बनी होती है और ये फिल्ट्रेट का यानी छलनी का काम कर रही होती है। यानी इसके पोर्स बहुत पतले होते हैं जो कि ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको इंटर नहीं होने देते। लेकिन बहुत सारे सब्सटेंसेज जहाँ से इंटर हो जाते हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल, कौन कौन से सब्सटेंसेज? वाटर इंटर हो जाता है, ग्लूकोज इंटर हो जाता है, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, साल्ट्स और आयंस वगैरह, ये सारे इंटर हो जाते हैं इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। और ये सारे मिलाकर इन सब को हम फिल्ट्रेट बोलते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन्हें कहा जाता है। ओके, जो बोमेंस कैप्सूल की वाल है इसके अंदर पोडोसाइट सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि होल्ड किए होते हैं इस वाल को, और इनके दरमियान भी गैप ज़्यादा है। यानी ज़्यादा काम क्या कर रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन कर रही है इन्हें फिल्ट्रेट बनाने, इन्हें फिल्टर करने में, छलनी का काम अदा करती है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी प्रेशर की वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर होने के बाद इनटू द बोमेंस कैप्सूल एंटर हो जाते हैं। अब अगर आप इन प्रोडक्ट्स को देखें जिसे हमने फिल्ट्रेट का नाम दिया, इनमें वाटर आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ग्लूकोज ज़रूरी है, अमीनो एसिड ज़रूरी है और आयंस और साल्ट्स वगैरह ज़रूरी हैं, तो इनको दोबारा से रीअब्जॉर्ब करना है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन्हें बॉडी से बाहर निकालना है। तो इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है जिसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। सो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? ये जो ट्यूब्यूल लाइक पोर्शन है नेफ्रॉन का, इसके अंदर, इस सारे रीजन के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसमें वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस और साल्ट्स वगैरह दोबारा से ब्लड में शामिल होंगे और यूरिक एसिड, यूरिया और केरेटिनिन यूरिन बन के पानी के साथ, थोड़े बहुत पानी के साथ मिलकर यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इस चीज़ को डिटेल से देखते हैं। वोमेंस कैप्सूल में क्या हुआ? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई, वो हमने देख लिया। अब हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन देखेंगे, यानी जो एसेंशियल प्रोडक्ट हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। सो पहला पोर्शन है प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और तकरीबन सबसे ज़्यादा मिकदार में जो यूज़फुल प्रोडक्ट हैं जो फिल्ट्रेट में बन चुके हैं वो दोबारा से ब्लड में इसी कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल से निकल कर शामिल होते हैं, जैसा कि सोडियम क्लोराइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स जिसमें सारे का सारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और साथ में कुछ वाटर, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल से निकल कर ब्लड वेसल में शामिल होते हैं और सीधा यानी ब्लड में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, लेकिन ये कैसे शामिल होते हैं इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल की किसी रीजन को हम जूम इन कर लेते हैं। ये प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल के सेल्स हैं जिनसे ये ट्यूब मिलकर बनी हुई है, और ये सेल्स अगर आप देखें तो इनके दरमियान गैप बहुत कम है।
ये इसलिए काम है कि इनके दरमियान से कोई भी चीज़ अंदर या बाहर ना जा सके। ठीक है, ये आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये बाहर आ गई कैपिलरी, जिसमें यूजफुल प्रोडक्ट दोबारा से शामिल होंगे। ठीक है, अगर इन सेल्स को आप देखें, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की लाइनिंग के सेल्स हैं, इन्हें अगर आप देखें तो इनके एंड पर ये अंदर ल्यूमन आ गया, ठीक है, जहाँ पर फिल्ट्रेट मौजूद है। और यहाँ पर इनके एंड को अगर आप देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें माइक्रोविल्लाए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स माइक्रोविल्लाए कहलाती हैं। ठीक है, फिर माइक्रोविल्लाए और इस एंड को अगर आप देखें तो ये एंड स्मूथ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच है, और बाहर फिर कैपिलरी है। ठीक है, अब होना क्या है कि यहाँ पर ल्यूमेन के अंदर फिल्ट्रेट में जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, इनको दोबारा से ब्लड के अंदर शामिल होना है, और उस में शामिल होने के लिए इन्हें इन प्रोडक्ट्स को इस सेल और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से होकर गुजरना है। तो इन सेल्स की जो ये वाली वॉल्स हैं, इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं। इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, और इनमें कुछ को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन्स वगैरह को। और इस वाल के साथ, जो इस साइड वाल है, इस वाल के साथ कुछ पोटाशियम या एटीपी पंप मौजूद होते हैं, जो एटीपी पंप क्या करते हैं, एटीपी को यूज़ करके सोडियम आयन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ब्लड में शामिल कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि एटीपी क्या करता है, सोडियम आयन को यहाँ से ब्लड में शामिल करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। यहाँ पर अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसके नतीजे में ये को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ओपन हो जाती है, और ये को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या करती है, सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को अंदर ले आती है। कॉम यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब अंदर आ रही हों एक ही प्रोटीन के रास्ते। सो सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को प्रोटीन के रास्ते सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होते हैं, और साइटोप्लाज्म से एंटर होने के बाद सीधा ब्लड में शामिल हो जाते हैं थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ब्लड के अंदर जो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट है वो कम है ऑलरेडी। क्यों, यहाँ से ब्लड में से ज़्यादा सोल्यूट यहाँ पर फिल्ट्रेट बन चुका था, और दोबारा से इस तरीके से जितना भी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वो इस तरीके से ब्लड में शामिल हो जाता है। ठीक है, अब आ जाती है बात बारी लूप ऑफ हेनले की। क्योंकि ज़्यादा अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह ये सारा एब्जॉर्ब हो चुका है, अब कुछ वाटर और साल्ट वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन करनी है, तो ये वाटर और साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में बहुत ज़्यादा हो रही होती है। लूप ऑफ हेनले की जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो नीचे आने वाली डंडी है या ट्यूब है, उसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये परमिएबल होती है वाटर के, बट ये सॉल्ट को बाहर नहीं जाने देती। सो इस लिम्ब से क्या हो रहा होगा, वाटर बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, जैसे ही वाटर बाहर निकल रहा होगा तो अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जा रही होगी, यानी उसमें सोल्यूट ज़्यादा होता जा रहा होगा। फिर जैसे ही ये लूप बेंड इसका ऊपर की तरफ मुड़ता है, जो कि असेंडिंग लिम्ब होती है, तो इसमें से कुछ एटीपी पंप मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयन को बाहर भेजते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब इसमें से साल्ट बाहर निकलता जाएगा तो उस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन दोबारा से कम होती जाएगी। तो यहाँ पर साल्ट भी रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो गया, जो वाटर और साल्ट ब्लड में शामिल होकर दोबारा से ब्लड वेसल, रीनल वैन की तरफ और हार्ट की तरफ चला जाता है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी वाटर और साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है सेम मैकेनिज्म से। साल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर आ रहा होता है, वाटर वगैरह भी, और करते करते ये जो फिल्ट्रेट है ये दोबारा से कंसनट्रेट हो जाता है, यानी उसमें यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और यूरिया जो है वो शामिल है, और वाटर है, और सीधा कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, उस जो यूरिन प्रोड्यूस हो चुका है उस यूरिन को लेकर जाती है पेल्विस की तरफ। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में एक और मैकेनिज्म भी हो रहा होता है कि अगर तो आपकी बॉडी के अंदर पानी कम है तो एडीएच हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, और एडीएच हार्मोन क्या करता है, इस वाल को पोरस बना देता है, और इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे भी निकाल लेता है ताकि ब्लड में शामिल हो जाए। और अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है तो डेफिनेटली यूरिन की फॉर्मेशन में भी वो पानी ज़्यादा होगा, तो एडीएच की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और ये वाल्स जो हैं ये स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और वाटर यहाँ से लॉस नहीं हो पाता और यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि ये एक डॉटेड लाइन सी मैंने ड्रा कर रखी है। ये डॉटेड लाइन शो करती है कि नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला रीजन है वो कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, यानी ये वाला जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं ये कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद हैं, और ये जो लूप ऑफ हेनले है ये मौजूद है किडनी की मेड्यूला रीजन में। ठीक है, सो काफ़ी डिटेल में ये लेक्चर हो चुका है, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।